नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी दीफोम जयपुर से स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज जो है हम एक हाथोज में प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो कि 120 गज में बना हुआ एक ड्यूप्लेक्स हाउस है। और प्रॉपर्टी जो है हाथोज में जो मेन मार्केट है वहाँ से जस्ट 400-500 मीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 7 विलाज यहाँ पर बन रहे हैं और 120 गज, 100 गज और 72 गज, 3 तरह की प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। ईस्ट फेसिंग की ये प्रॉपर्टी है और विला जो अभी अपन देखने वाले हैं ये एक 4 BHK का ड्यूप्लेक्स है जो कि आउटर स्टेयर्स के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। डायमेंशन की बात करें तो 16 का इसका फ्रंट है और 68 की इसकी डेप्थ है। आगे की तरफ से आप एक बार एलिवेशन देखिए, बहुत ही प्यारा एलिवेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी जगह ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, सारी ही सुविधाएँ आपको यहाँ पर नियरेस्ट मिल जाती है। मार्केट, हॉस्पिटल, सारी सुविधाएँ यहाँ पे नियरेस्ट ही मिलने वाली है। एलिवेशन के साथ ही अपन यहाँ फ्रंट का वर्क देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे फ्रंट तैयार किया हुआ है। नेम प्लेट के लिए स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ ही यहाँ प्लांट्स लगाने के लिए या फिर एक अच्छा बैठने के लिए स्पेस यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो। और सामने की तरफ से आप एक बार लोकेलिटी देख लीजिए, यहाँ पे सैंपल विला जो है अपने पास यहाँ पे तैयार हो चुका है और वही अभी अपन देखने वाले हैं। आगे की लोकेलिटी देख सकते हो आप यहाँ पे, ईस्ट फेसिंग की ये प्रॉपर्टी है। और अब मूव करते हैं अपन यहाँ से ड्यूप्लेक्स हाउस के अंदर की तरफ। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए जो स्पेस है बेहद ही अच्छे स्पेस में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर डायमेंशन की मैं बात करूँ तो 15x18 की डायमेंशन में आपको ये पार्किंग का स्पेस मिल रहा है। बहुत ही एक बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे पार्किंग का मिल जाता है। और विला जो है 4 BHK का है जिसमें 2 बेडरूम किचन नीचे है और 2 बेडरूम और किचन का स्पेस ऊपर के पोर्शन पे आपको मिलने वाला है। स्टेयर्स का प्रोविज़न आप यहाँ पे देख सकते हो बाहर से है। फिनिशिंग आपको मकान की बहुत ही प्यारी यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही अपन हाइट की बात करें तो मकान की हाइट आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी हाइट आपको यहाँ पे मकान की मिल जाती है। साथ ही वाटर टैंक का जो प्रोविज़न है आपको यहाँ पे 5 से 6 हज़ार लीटर का मिलने वाला है। अब अपन देखते हैं अंदर से, तो यहाँ पे ये जो स्पेस जा रहा है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से गैलरी है, ये सीधी अपने हॉल के स्पेस में जाती है। साथ ही ये जो स्पेस आ जाता है अपना बैठक का रूम या फिर जो अपना बेडरूम, इसमें आपको डबल गेट मिलने वाला है। एक गेट जो है इसमें हॉल से कनेक्ट हो रहा है और एक गेट अपना यहाँ पे बाहर से सीधा दिया हुआ है। स्टेयर्स का प्रोविज़न आप यहाँ पर देख सकते हो। विंडो वगैरह आप यहाँ पर देखिए, काफ़ी प्यारी साइज़ में आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है। वेंटिलेशन की घर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अब चलते हैं अपन यहाँ से अंदर की तरफ, तो ले चलता हूँ मैं आपको इस साइड से सीधा हॉल के स्पेस में। ये आ जाता है अपना हॉल का मेन एंट्रेंस। अभी अपन ग्राउंड फ्लोर पे है हॉल के स्पेस में। आगे फ्रंट में एक बेडरूम है, पीछे की तरफ एक बेडरूम है, साथ ही यहाँ पे 2 बाथरूम और किचन का स्पेस आपको मिलने वाला है। हॉल का स्पेस आप देख सकते हो, एक अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। 10x17 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे हॉल का स्पेस मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं अपन यहाँ पे, वुडन का, टेक्स्चर का, वॉलपेपर का और ऊपर का जो सीलिंग है बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा वर्क आपको यहाँ पे सीलिंग डिजाइन में मिल जाता है। हॉल के स्पेस में ही अपन देखते हैं सामने की तरफ, यहाँ आप देख सकते हो LED के लिए पैनल तैयार किया हुआ है। काफ़ी बड़ी LED आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। साथ ही स्टोरेज के लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और अपन देखते हैं वॉल पे, यहाँ पे हॉल की जो वॉल है यहाँ पे आप वर्क देखिए, बहुत ही प्यारा वर्क आपको यहाँ पे वुडन का करके दिया जा रहा है। किचन जो है आपको यहाँ पे ओपन मिलने वाली है और सेमी फर्निश्ड का ये विला है तो इसमें आपको सैनिटरी फिटिंग हो गई, साथ ही लाइट फिटिंग है, मॉड्यूलर किचन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार करा के दी जा रही है। 120 गज में बना हुआ ये सोसाइटी पट्टे का प्रोजेक्ट है और ये जो विला है आस्किंग प्राइस इसकी 40 लाख रुपये है। एक अच्छी प्राइस में बहुत ही एक बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पर विला मिलने वाला है। सामने आप किचन का एक बार एंट्रेंस देखते हो तो यहाँ भी आप देख सकते हो वुडन का बहुत ही प्यारा वर्क यहाँ पे किया गया है। और किचन जो है आपको 4.5x5x10 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे किचन का स्पेस मिलता है।
विंडो आप देख सकते हो बाहर की तरफ ओपन हो रही है, तो वेंटिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ड्रॉवर कैबिनेट वगैरह प्रॉपर यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखा अपने किचन, और अब मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार जो आगे का यहाँ पे फ्रंट का जो बेडरूम हॉल से ही कनेक्ट हो रहा है अपना ये बेडरूम। साइज की बात करें तो 11x12 की डायमेंशन में है। टाइल्स यहाँ पे 2x2 की आपको यहाँ पे मिल जाती है, और फिनिशिंग यार वाकई बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वॉल पे आप देख सकते हो टेक्सचर डिजाइन, ऊपर की तरफ आप देखिए सीलिंग डिजाइन, साथ ही यहाँ पे जो है वर्क है, यहाँ स्टोरेज के लिए जो एक अलग स्पेस तैयार किया हुआ है, ग्लास का वर्क इसमें आपको मिल रहा है, बहुत ही एक अच्छा लुक यहाँ पे रूम को मिल जाता है। और सेमी फर्निश्ड विला है, तो इसमें आपको ऐसी फिटिंग्स के जो पॉइंट है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे हॉल है, बेडरूम्स है, वहाँ पे आपको ऐसी फिटिंग्स के पॉइंट मिल जाते हैं। साथ ही ये जो गेट देख रहे हैं अपन इधर की साइड, ये सीधा अपने पोर्च के स्पेस में ओपन होता है, पीछे का जो है सीधा अपने हॉल के स्पेस में खुल रहा है। तो अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से हॉल के बैक के स्पेस में। तो यहीं से हॉल में अपन साइड में देखते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे सैनिटरी का काम बाकी है। यहाँ पे आप देखिए ये जो स्पेस है वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे तैयार करके दिया जा रहा है। साथ ही ये आ जाता है यहाँ पे बाथरूम का स्पेस। साइज की बात करें तो 5x9 की डायमेंशन में आपको ये बाथरूम का स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। सीट जो है आपको यहाँ वेस्टर्न लगा के दी जाएगी। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हो पीछे की तरफ ये ओपन ऊपर से स्पेस छोड़ा हुआ है। और इसके साथ ही ये आ जाता है इसमें ग्राउंड फ्लोर का सेकेंड बेडरूम। डायमेंशन इसकी भी आपको 11x12 की मिलने वाली है। एक डबल बेड लगाने के बाद भी एक अच्छा स्पेस आपके पास यहाँ पे बच जाता है। इसमें देखते हैं अपन तो वार्डरोब का प्रोविजन आ जाता है। वार्डरोब की साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर सीलिंग की जो डिजाइन है वहाँ तक की आपको यहाँ पे वार्डरोब स्पेस मिल रहा है। ऊपर की तरफ देखते हैं अपन सीलिंग डिजाइन आपको इसमें भी मिल जाती है। साथ ही इसमें एक अटैच का बाथरूम का स्पेस भी यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीट जो है वेस्टर्न यहाँ पे लगा के दी जाएगी। और यहीं ड्यूप्लेक्स में बैकयार्ड का स्पेस मिल जाता है। 4x14 की डायमेंशन में ये आपको बैकयार्ड का स्पेस मिल रहा है। टेप वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही अपन देखते हैं यहाँ से पीछे की तरफ, तो यहाँ देख सकते हो आयरन की जो जाली है उससे यहाँ पे कवर करके दिया जा रहा है। तो वेंटिलेशन घर में आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाला है। तो ये देखा अपन ने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, और जो फर्स्ट फ्लोर है सेम एज इट आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर मिलने वाला है। 4 बेडरूम 4 बाथरूम और 2 हॉल के साथ एक बड़ी सी पार्किंग के स्पेस के साथ ही आपको ये विला यहाँ पे मिल जाता है। तो अब आ चुके हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जो है बेडरूम किचन वगैरह का जो पोर्शन है पूरा सेम एजिट आपको मिलने वाला है जैसा कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो स्पेस है ओपन स्पेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8x13 की डायमेंशन में यहाँ पे मिल रहा है। एक अच्छा आपको ओपन स्पेस यहाँ पे बालकोनी स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। यहीं से सामने की तरफ रेलिंग में आपको ग्लास और SS का वर्क मिल जाता है। यहीं से आप ऊपर का स्पेस भी देख सकते हो, काफी प्यारा POP वर्क यहाँ पे किया हुआ है। एंट्री यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे भी 2 तरफ से है, एक यहाँ सीधे हॉल के स्पेस से और एक ही आ जाती है अपना यहाँ पे बेडरूम से। देखिए ये आ जाता है इसमें फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, और यहाँ बेडरूम जो है आपको 11x12 की डायमेंशन में मिल रहा है। यहाँ पे अपन देखते हैं तो वॉल पे देखिए काफी प्यारा वुडन वर्क है, टेक्सचर डिजाइन है, और अच्छे से मकान को तैयार किया हुआ है। बेडरूम के साथ ही यहाँ है 10x17 की डायमेंशन में हॉल का स्पेस। ये आप देख सकते हो किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। साइड में आ जाता है यहाँ पे ओपन किचन, जैसा कि अपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था सेम वही पोर्शन आपको यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे मिल रहा है। पीछे की तरफ एक 11x12 की डायमेंशन में बेडरूम है, यहाँ पे एक बाथरूम है और एक अटैच बाथरूम पीछे की तरफ मिल जाता है। तो ये देख लिया अपन ने यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। और कैसा लगा आपको वीडियो यार, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग हैं जो वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और विला जो है अपने ग्राउंड
फ्लोर फर्स्ट फ्लोर अपन इसका देख चुके हैं। अब मैं एक बार आपको यहाँ से जो ऊपर का पोर्शन है, छत का जो पोर्शन है, उसके साथ ही यहाँ की लोकेलिटी भी दिखा देता हूँ। तो चलते अपन यहाँ से सीधा छत पे। तो ये देखिए यहाँ से आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, इधर की तरफ आप देख सकते हो बहुत से विलाज यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत सी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है, और साइड में भी अपन देखते हैं तो टोटल यहाँ पे अपने 7 विलाज बन रहे हैं, और उनमें से अभी अपन ने 120 गज का देखा है, और 120 गज का जो विला देखा इसकी आस्किंग प्राइस 40 लाख रुपये है। और सामने से आप एक बार देख लीजिए आगे की लोकेलिटी, आगे की तरफ भी यहाँ पे बहुत ही मकान यहाँ पे बने हुए हैं। कालवाड़ जो मेन रोड है वो यहाँ से नियरेस्ट है। अभी जो आपने विला देखा है 120 गज में बना हुआ है, सोसाइटी पट्टे की ये प्रॉपर्टी है, आस्किंग प्राइस इसकी 40 लाख रुपए है। इसके साथ ही अपने पास 100 गज में भी यहाँ पे विला अवेलेबल है जो कि 35 लाख में है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया वीडियो तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल पर आपको इस तरह ही बहुत ही प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती रहेगी। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।